सी प्रोग्राम बेस्ड ऑन स्ट्रिंग रिमूव ऑपरेशन। सपोज दैट अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग गिवन है, इसे स्ट्रिंग के अंदर किसी भी गिवन कैरेक्टर के जस्ट फर्स्ट ऑकरेंसेस को रिपीट करना है, सॉरी रिमूव कराना है। फॉर एग्जांपल्स सम स्ट्रिंग लाइक दैट वी आर कॉलिंग रिमूव फर्स्ट। अगर इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उन्हें फंक्शन नेम क्रिएट किया जाए रिमूव फर्स्ट एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, देन इस फंक्शन को कॉल करने का जस्ट वे क्या रहेगा, सप्लाइंग रिक्वायर्ड स्ट्रिंग। इस केस में स्ट्रिंग पास किया जाए रजत, क्लियर। जैसे स्ट्रिंग के केस में जस्ट मुझे रिमूव क्या कराना, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर ए, देन सेकेंड आर्गुमेंट सप्लाई क्या करेंगे एज अ रिमूव्ड कैरेक्टर्स। लेकिन इस केस में हो सकता है सेम कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में टोटल थ्री पॉसिबल केस होंगे, या तो एक कैरेक्टर नॉन एग्जिस्टिंग हुआ या फिर एग्जिस्टिंग। अगर गिवन कैरेक्टर एग्जिस्टिंग है देन हो सकता है कैरेक्टर एग्जैक्टली वन टाइम अपीयर हुआ, हो सकता है मोर देन वन टाइम्स, और रिपीट होने के चांसेस। जैसे इस केस में ए जस्ट रिपीट कितनी बार हुआ, ऑकर कितनी बार हुआ, टू टाइम्स, क्लियर। जस्ट इस केस में रिमूव क्या कराना है, गिवन ए कैरेक्टर ए फॉर्म अ गिवन स्ट्रिंग, देन इस स्ट्रिंग के जस्ट बाद आपके पास अवेलेबल क्या होना चाहिए, न्यू स्ट्रिंग, और न्यू स्ट्रिंग के इसमें कंटेंट्स क्या होना चाहिए, जस्ट रिमूव क्या करा हुआ फर्स्ट कैरेक्टर ए, इसे जस्ट आपके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, आफ्टर अप्लाइंग गिवन ऑपरेशन स्ट्रिंग एक्सेप्टिंग फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ गिवन कैरेक्टर। तो अगर ए का फर्स्ट ऑकरेंस रिमूव कर दिया जाए देन आपके पास रिजल्टेंट केस क्या रहेगा, जस्ट आर जे AT given like that, clear। Then इस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जस्ट सबसे पहले आपको परफॉर्म क्या करना, जस्ट इस केस में टू ऑपरेशंस अप्लाई होंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा, सबसे पहले आप कैरेक्टर ए का फर्स्ट ऑकरेंस सर्च करोगे। तो फर्स्ट ऑकरेंस सर्च करने के रिस्पेक्ट में जस्ट ऑपरेशंस क्या रहेंगे, जस्ट सर्च ऑपरेशन और सर्चिंग गिवन कैरेक्टर फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग्स। मीन से सर्च ऑपरेशन में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ हाउ टू सर्चिंग गिवन स्ट्रिंग गिवन कैरेक्टर। मीन से किसी भी कैरेक्टर को सर्च कराना है, कैरेक्टर ए को सबसे पहले मैच कैसे कराए, कैरेक्टर ए क्या है, इसके इसमें सपोज रेडी एक कैरेक्टर ए किसी वेरिएबल सी एच में स्टोर है, तो सी एच के वैल्यू सबसे पहले जीरो इंडेक्स के एलिमेंट से मैच कराओगे। अगर जीरो इंडेक्स में मैच नहीं हो रहा देन सेम कैरेक्टर सी एच मैच कराए ऑन द नेक्स्ट इंडेक्स। इस तरह जैसे ही फर्स्ट इंडेक्स में किसी भी इंडेक्स में मैच होता है उसके जस्ट बाद आगे आपको मैच करने की जरूरत है क्या, नहीं। वन मोर थिंग, जैसे ही मैच होता है मैच के जस्ट बाद फाइनली गिवन स्ट्रिंग टू पार्ट्स में लॉजिकली डिवाइड होगा। मीन्स कैरेक्टर ए का मैच हो रहा है ऑन द फर्स्ट इंडेक्स, देन फर्स्ट इंडेक्स ऑन वर्ड्स जस्ट इस केस में गिवन स्ट्रिंग टू पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, क्लियर। टू पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है मीन्स फ्रॉम ए ऑनवर्ड्स, ए का लेफ्ट हैंड पार्ट, ए का राइट हैंड पार्ट। मीन्स लेफ्ट हैंड पार्ट में कोई चेंज नहीं करना, राइट हैंड पार्ट में कोई चेंज नहीं करना, ओनली चेंज किसमें करना है, करंट प्लेस। तो करंट प्लेस में ए को रिमूव करने के रिस्पेक्ट में मीन्स आर के प्लेस पर रिमूव क्या रहेगा, जस्ट आर, जस्ट ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे, मीन्स ए जस्ट किस इंडेक्स में फाउंड हो रहा है, कैरेक्टर ए इज अवेलेबल एट इंडेक्स वन, इंडेक्स वन में आप न्यू कैरेक्टर कॉपी कराओगे फ्रॉम नेक्स्ट इंडेक्स। मीन्स सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किसमें कराएंगे, दैट प्लेस, इस प्लेस पर क्या जाएगा, जस्ट जे, क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम अगेन जब इस प्लेस पर जे कॉपी हो जाएगा तो अब जे मीन्स आपके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या रहेगा, लाइक दैट, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन जे का ऑकरेंस किससे रिप्लेस कराना, जे के नेक्स्ट पोजीशन से, तो ए का पोजीशन क्या है, थ्री, थर्ड इंडेक्स से रिप्लेस किसको कराना, सेकेंड इंडेक्स। तो नेक्स्ट टाइम सेकेंड इंडेक्स में कॉपी क्या हो जाएगा, थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट। देन सेम सिमिलरली जब जे के प्लेस पर ए कॉपी हो जाएगा तो अब ए के भी कितने ऑकरेंस हो रहा है आपको, टू, जस्ट अब ए किससे रिप्लेस कराओगे, जैसे तो ए का इंडेक्स क्या है, जस्ट थ्री, थर्ड इंडेक्स के प्लेस पर कॉपी क्या कराएंगे, फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट, देन इस प्लेस पर जस्ट कॉपी क्या हो जाएगा, टी। नेक्स्ट वन टी को जस्ट रिप्लेस किससे कराएंगे, नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स में क्या फाउंड हुआ, जस्ट नल, नाउ टी इज रिप्लेस्ड बाई नल। देन फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट जस्ट रिप्लेस किससे हुआ, कैरेक्टर नल, नल इज नथिंग बट इट इज अवेलेबल एट इंडेक्स फाइव, क्लियर। तो इस केस में मीन्स करेंटली जैसे इस प्लेस पर कैरेक्टर मैच हुआ तो आई का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में क्या रहा हुआ, एग्जैक्टली वन, तो आई का इनिशियल वैल्यू इसे गिवन इनपुट के अकॉर्डिंग क्या है, वन। आई को एवरी टाइम रिप्लेस किससे कराना है, आई प्लस वन इंडेक्स के एलिमेंट से, और कॉपी किसमें कराना है, एस ऑफ आई इक्वल्स टू, सॉरी, एस ऑफ आई इक्वल्स टू एस ऑफ आई प्लस वन। मीन्स जस्ट दिस इज द शिफ्टिंग ऑपरेशन, आपको टू ऑपरेशन परफॉर्म कराना, सर्च एज वेल एज शिफ्ट ऑपरेशंस। तो इसके इसमें जस्ट कंडीशन मीन्स इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज कराया जाए वॉइड, फंक्शन नेम एज रिमूव फर्स्ट, फंक्शन नेम एज रिमूव फर्स्ट। नेक्स्ट फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या पास होगा, जस्ट कैरेक्टर एरे, और कैरेक्टर एरे को असाइन करने के लिए यूज करेंगे
कैरेक्टर पॉइंटर एस। सेकेंड आर्गुमेंट में क्या पास हो रहा है, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर का ऑक्रेंस जस्ट रिप्रेजेंट करूँ कैरेक्टर वेरिएबल सी एच। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या था इसके, इसमें सबसे पहले कैरेक्टर सी एच को स्ट्रिंग के अंदर सर्च कराना, सर्च कराने के रिस्पेक्ट में जस्ट लूप इंप्लीमेंट करेंगे इंटीजर आई फोर आई इक्वल्स टू जीरो, आई के केस में इनिशियलाइजेशन किससे हुआ जीरो से। अगर इस स्ट्रिंग को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो स्ट्रिंग के अंदर टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, सिक्स कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग नल। तो फर्स्ट केस में क्या, कैरेक्टर आर ए जे ए टी, एंड लास्ट केस में क्या, जस्ट नल एड्रेस समथिंग हंड्रेड लाइक दैट। और जस्ट इस केस में इंपॉर्टेंट केस क्या आपके लिए, इंडेक्सिंग, इसलिए मैं एड्रेसेस को हाईलाइट ना करके जस्ट इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। इस पॉइंट में से स्ट्रिंग पॉइंट किसके थ्रू हो रहा है, पॉइंटर वेरिएबल एस के, इसका एड्रेस किस में आसानी हो जस्ट एस के अंदर। देन आई के केस में आई का इनिशियलाइजेशन किससे हो चुका है, जीरो से, तो आई का करेंटली वैल्यू क्या है, जस्ट जीरो। इसके जस्ट बाद मीन सबसे पहले फर्स्ट लूप पे अप्लाई किसके लिए हो रहा है, इस सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है, गिवन कैरेक्टर ए और गिवन कैरेक्टर सी एच का फर्स्ट ऑक्रेंस, फर्स्ट ऑक्रेंस एवरी टाइम सी एच को सबसे पहले जीरो इंडेक्स से मैच कराओगे। देन करेंटली इस केस में ऐसे लूप चलेगा, जीरो इंडेक्स में मैच हो रहा है क्या, नहीं, देन किससे मैच कराओगे, नेक्स्ट इंडेक्स, जैसे किसी इंडेक्स से मैच होता है उसके जस्ट बाद सर्च ऑपरेशन फिनिश करना है। तो सर्च ऑपरेशन कब तक कंप्लीट कराना है, जब तक सी एच का वैल्यू एस ऑफ आई से मैच नहीं हो जाता, मीन्स आर ए जे जस्ट रिप्रेजेंट किससे होंगे, एस ऑफ आई, तो एस ऑफ आई, तो सी एच का वैल्यू मैच किससे कराएंगे, एस ऑफ आई। तो कब तक परफॉर्म कराना है, व्हाइल सी एच नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ आई। दूसरा पॉसिबल केस क्या है, हो सकता है आपने कोई एस टाइप का कैरेक्टर पास किया जो कि अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैं इस केस में एक्स पास करता हूँ, एक्स एग्जिस्टिंग है रजत के अंदर या नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग, तो उस केस में एक कैरेक्टर कभी सप्लाई नहीं, कभी मैच नहीं होगा, कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगा, तो उस केस में अदर कंडीशन क्या अप्लाई करोगे, जब तक एस ऑफ आई का वैल्यू नल नहीं हो जाता। तो टोटली टू कंडीशन अप्लाई करें, व्हाइल एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल इज इक्वलेंट टू जस्ट एस ऑफ आई, नल मीन्स जीरो, और एस ऑफ आई के प्लेस पर जैसे जीरो आएगा तो कंडीशन अल्टीमेटली फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या अप्लाई करोगे, दैट वन मीन्स जब तक सी एच कैरेक्टर वेरिएबल सी एच का वैल्यू एस ऑफ आई के नॉट इक्वल है, जैसे ही इक्वल होगा इसका मतलब क्या है, सी एच जस्ट मैच हो चुका है, मैच हो चुका है, देन आपको सर्च कराने की आगे जरूरत नहीं, इसलिए इस केस में इस कंडीशन की कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। देन एवरी टाइम आई में इंक्रीमेंट कितने से होगा, वन से, लूप के अंदर बॉडी पार्ट रिक्वायर्ड नहीं, इसलिए टर्मिनेट किससे कर रहे हैं, सेमी कॉलन्स। चेक कर लेते फर्स्ट टाइम आई का इनिशियलाइजेशन किस हुआ, जीरो से, क्लियर, जैसे ही आई का वैल्यू जीरो होगा उस केस में जस्ट एस ऑफ जीरो स्पेस पर रिप्लेस किया जाएगा आई के प्लेस पर जीरो, और एस ऑफ जीरो में कैरेक्टर फाउंड हो रहा है आर, आर का उसकी वैल्यू कैसा है, जीरो और नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स कंडीशन इज ट्रू। एंड के केस में फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, देन चेक क्या करें, सेकेंड सी एच के प्लेस पर क्या जाएगा, कैरेक्टर ए नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ आई, आई के प्लेस पर क्या आएगा, जस्ट जीरो, एंड एस ऑफ जीरो के प्लेस पर जस्ट क्या आएगा, एस ऑफ जीरो में क्या फाउंड हो रहा है आर, तो फाइनली इस प्लेस पर क्या जाएगा, कैरेक्टर आर, मीन्स फर्स्ट कंडीशन ट्रू था नॉन जीरो, सेकंड कंडीशन भी ए नॉट इक्वल्स टू आर ऑल्सो ट्रू, दोनों ही कंडीशन ट्रू है, देन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, जस्ट वन। आई का वैल्यू वन होने के जस्ट बाद अगेन सेम कंडीशन फिर से टेस्ट होगा, क्योंकि बॉडी पार्ट कैसा है, एम्प्टी, एस ऑफ वन, आई वैल्यू क्या, वन, और एस ऑफ वन में क्या है, कैरेक्टर ए, कैरेक्टर ए इटसेल्फ क्या है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। सेकेंड कंडीशन सी एच, सी एच का वैल्यू क्या पास किया, जस्ट ए, ए नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ आई, आई का वैल्यू वन है इसलिए एस ऑफ आई इस प्लेस पर क्या आएगा, एस ऑफ वन का वैल्यू, और एस ऑफ वन में क्या है, कैरेक्टर ए, कैरेक्टर ए के रिस्पेक्ट में चेक करो, फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है लेकिन सेकेंड कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है। एंड के केस में एक ही भी कंडीशन फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल कर जाएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, मीन्स नेक्स्ट प्लेस, लेकिन इस प्लेस पर जब कंट्रोल आएगा तो उसके इसमें श्योरिटी है, इस आई के अंदर जस्ट अवेलेबल क्या है, गिवन कैरेक्टर के फर्स्ट ऑक्रेंस का इंडेक्स, गिवन कैरेक्टर क्या है, ए, और ए का फर्स्ट ऑक्रेंस किस प्लेस पर, वन, और आई में भी क्या अवेलेबल, ऑल्सो वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके लिए शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल है, लेकिन जब शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे तो आर के प्लेस पर तो आ ही रहेगा, जस्ट आपको ए रिमूव कराना है, तो ए का ऑक्रेंस किससे रिप्लेस हो जाएगा, जे से, और जे का ऑक्रेंस किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए से, ए का ऑक्रेंस किससे रिप्लेस होगा, टी से, और टी का ऑक्रेंस नल से। दिस इज द
रिजल्टेंट स्ट्रिंग और आउटपुट स्ट्रिंग। तो इस केस में जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना नेक्स्ट टाइम, शिफ्ट ऑपरेशंस। फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू वन है, तो फर्स्ट टाइम एलिमेंट किस प्लेस पर असाइन हुआ, वन इंडेक्स में, मीन्स जस्ट वन किस से रिप्रेजेंट हुआ, एस ऑफ आई से, और टू किस से रिप्रेजेंट करा हुआ, एस ऑफ आई प्लस वन। तो इसके अकॉर्डिंग जस्ट आई प्लस वन लीजिए, नथिंग आई का वैल्यू वन है, तो इस केस में क्या एस ऑफ टू का वैल्यू, और एस ऑफ टू पर क्या जे, जे किस प्लेस पर कॉपी हो जाएगा, एस ऑफ वन में। तो नेक्स्ट टाइम अगेन आपको सेम प्लेस से लूप कंटिन्यू करना, लेकिन लूप को कंटिन्यू करने से पहले चेक करोगे, हो सकता है गिविन कैरेक्टर नॉन एग्जिस्टिंग रहा हो। अगर कैरेक्टर नॉन एग्जिस्टिंग है देन आपको शिफ्टिंग कराने की जरूरत ही नहीं, मीन्स कोई भी कैरेक्टर फाउंड ही नहीं हो रहा है। तो कैरेक्टर फाउंड हो रहा है देन ओनली आपको ऑपरेशन कंटिन्यू करना है। तो फाउंड होने के लिए इफ कंडीशन अप्लाई करें, इफ फाउंड के लिए कंडीशन क्या बन जाएगा, अगर कैरेक्टर फाउंड हुआ है तो एस ऑफ आई में नल होगा क्या, नहीं, उस केस में एस ऑफ आई किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे। जैसे जब कंडीशन फॉल्स हुआ था सेकंड, तो फर्स्ट केस में एस ऑफ आई का वैल्यू क्या था, ए, मीन्स नॉन जीरो। अगर सपोज दैट सेकंड कंडीशन का भी ट्रू फॉल्स ही नहीं होता, देन उस केस में एस ऑफ आई का वैल्यू कहीं ना कहीं नल होता, और नल होने के केस में कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो नल के केस में आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। ऑपरेशन कब परफॉर्म कराना, जब एस ऑफ आई नल नहीं हुआ है, देन ऑपरेशन कंटिन्यू किस प्लेस से करना, सेम प्लेस। तो आपको इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई का सेम वैल्यू, ओल्ड वैल्यू रिक्वायर्ड है वन। लेकिन कंडीशन में मीन्स आप जस्ट परफॉर्म क्या कराओगे, शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग एस ऑफ आई इक्वल्स टू एस ऑफ आई प्लस वन एंड एवरी टाइम आई प्लस प्लस, ऑपरेशन कंप्लीट एंड फंक्शन इज ऑल्सो कंप्लीट। सेम प्लेस में कंटिन्यू कर रहा हूँ अगेन, इन दैट केस आई का वैल्यू करेंटली क्या है, जस्ट वन, देन एस ऑफ वन इक्वल्स टू वन प्लस वन इज टू। तो एस ऑफ टू का वैल्यू आसानी किस में जाएगा, एस ऑफ वन में, और एस ऑफ टू मीन्स सेकेंड इंडेक्स में अवेलेबल क्या है, जे, कॉपी किस में होगा, वन इंडेक्स में। नाउ ए इज रिप्लेस्ड बाई जे, अब जे को किससे रिप्लेस कराना है, ए से। तो इसके जब वन मोर थिंग्स, इस केस में पहले असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट के जस्ट बाद एस ऑफ वन के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, एस ऑफ वन का वैल्यू, एस ऑफ वन का वैल्यू या तो नल होगा या नॉट नल, नल होगा देन कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, नॉट नल देन कंडीशन ट्रू। तो अभी जस्ट क्या है एस ऑफ वन में, जे, जे मीन्स कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन आई प्लस प्लस होगा, तो आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई का न्यू वैल्यू क्या होगा, जस्ट टू। नेक्स्ट टाइम अगेन आई के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे एस ऑफ टू इक्वल, नेक्स्ट टाइम जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना है, मीन्स फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड ऑपरेशन क्या है, जे में मीन्स सेकंड इंडेक्स में कॉपी क्या कराना, थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट, और थर्ड इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है, ए। तो इस केस में जस्ट मीन्स आई का वैल्यू क्या है, टू, टू प्लस वन बिकम्स थ्री। तो इस बार कॉपी के मीन्स किस एलिमेंट, किस प्लेस का एलिमेंट कॉपी हो रहा है, थर्ड प्लेस का एलिमेंट सेकेंड इंडेक्स में कॉपी हो रहा है, क्लियर, जस्ट सेकेंड वन मीन्स सेकेंड केस भी कंप्लीट हो रहा है। देन एस ऑफ थ्री में करंटली क्या है, ए, और कॉपी किस में हो जाएगा, एस ऑफ टू में। तो इस प्लेस पर क्या आएगा, फाइनली कैरेक्टर ए, देन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, एस ऑफ टू का करंट वैल्यू, करंट वैल्यू क्या इसमें, ए, अगेन नॉन जीरो, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू देन आई प्लस प्लस, आई बिकम्स थ्री। जैसे ही आई का वैल्यू इस केस में थ्री हो जाएगा, देन इसके बाद जस्ट परफॉर्म क्या हुआ, अगेन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्टिंग में जस्ट इस प्लेस पर क्या आएगा, एस ऑफ आई, आई वैल्यू क्या, थ्री, देन एस ऑफ थ्री इक्वल्स टू एस ऑफ थ्री प्लस वन इज फोर। मीन नेक्स्ट टाइम को फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट आसानी के सुन थर्ड इंडेक्स, मीन्स दैट ऑपरेशन, क्लियर। नेक्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट हो तो एस ऑफ फोर में करंटली क्या फाउंड हो रहा है, टी, टी की स्पेस पर कॉपी हो जाएगा एस ऑफ थ्री में। नाउ ए इज रिप्लेस्ड बाई टी, क्लियर। देन उसके जस्ट बाद इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो, फाइनली कैरेक्टर टी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगेन कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू देन आई प्लस प्लस होगा, देन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर। अगर आप कंडीशन को लेकर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, देन आप प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हो, इस टाइप के ऑपरेशन में आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। मीन्स सिंपली इफ कंडीशन है, कंडीशन के केस में सी के अंदर कंडीशन के प्लेस पर आप कोई भी जीरो या नॉन जीरो वैल्यू सप्लाई कर सकते हो, जीरो मीन्स फॉल्स, नॉन जीरो मीन्स ट्रू। तो अभी तक सभी केस में सप्लाई क्या हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स का आस्की वैल्यू, और आस्की वैल्यू ऑलवेज कैसा होता है, नॉन जीरो नंबर, इसलिए कंडीशन मैंने कंसिडर किया जाए ट्रू, क्लियर। नेक्स्ट टाइम इसके जस्ट बाद आई में इंक्रीमेंट हुआ, तो आई की वैल्यू कर चुकी है जस्ट फोर। नेक्स्ट टाइम आपको फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी का कराना है फोर्थ इंडेक्स, मीन्स दैट ऑपरेशंस। इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगेन आई के प्लेसेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, और आई का वैल्यू क्या है, फोर। नाउ एस ऑफ फोर इक्वल्स टू एस ऑफ फोर प्लस वन इज फाइव, मीन्स फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट किस प्लेस पर कॉपी हुआ, एस ऑफ फोर में, फिफ्थ इंडेक्स में क्या नल, तो इस प्लेस पर भी आसान क्या हो जाएगा, ऑल्सो नल। नाउ टी इज रिप्लेस्ड बाई नल, क्लियर।
नेक्स्ट टाइम नल रिप्लेस होने के बाद देन स्पेस पर रिप्लेस क्या करेंगे s ऑफ 4 का वैल्यू, और s ऑफ 4 में क्या करंटली नल स्पेस पर रिप्लेस क्या हो नल, नल मींस 0, 0 मींस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल कहां जाएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप। चेक कर सकते हैं जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा तब तक आपका गारंटी होगा इस फर्स्ट ऑकरेंस रिप्लेस हो चुका है, दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इसे रजत के रिस्पेक्ट में एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था आपका रजत, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था आर जे ए टी। चेक कर सकते हैं स्टोर भी क्या आर जे ए टी। इस टाइप से आपके लिए स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशन स्ट्रिंग रिमूव ऑपरेशंस परफॉर्म कराना पॉसिबल। वन मोर थिंग्स देन अगर सेम केस आपको टेस्ट करना है, टेस्ट करने के रिस्पेक्ट में जस्ट प्रोवाइड क्या करूँ मेन फंक्शन के, क्योंकि सारे के सारे ऑपरेशन ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से होते फ्रॉम मेन फंक्शन ऑनवर्ड्स, तो अगेन प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड क्या करूँ जस्ट मेन फंक्शन जस्ट टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लॉजिक्स ऑलरेडी मैंने फंक्शन के फॉर्म में इम्प्लीमेंट किए, सबसे पहले फर्स्ट केस क्या रहेगा डिक्लेयरिंग स्ट्रिंग और कैरेक्टर एरे विद मैक्सिमम साइज, नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स, प्लस इसके अलावा सर्चिंग कैरेक्टर भी रिक्वायर्ड होगा इसलिए सप्लाई क्या करोगे स्ट्रिंग इनपुट्स में कितने वैल्यू रिक्वायर्ड है स्ट्रिंग कॉमा कैरेक्टर। नेक्स्ट वन गेट्स स्ट्रिंग को रीड कराएंगे यूजिंग कीबोर्ड, देन बफर को फ्लश करने के लिए यूज क्या करेंगे एफ फ्लश एस टी डी इन। एफ फ्लश ऑपरेशन ऑलरेडी मैं कंसोल ऑपरेशन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट वन सिंगल कैरेक्टर रीड कराओ जिस कैरेक्टर को रिमूव कराना, देन सिंगल कैरेक्टर रीड करा सकते यूजिंग गेट केयर, यूजिंग गेट केयर और यूजिंग स्कैन एफ, देन इसके जस्ट बाद कॉल क्या कर लो फंक्शन एज रिमूव फर्स्ट, ऑलरेडी फंक्शन इंप्लीमेंट किया इस केस में रिमूव फर्स्ट, रिमूव फर्स्ट के केस में आर्ग्यूमेंट में क्या पास करेंगे कैरेक्टर, सॉरी टू इनपुट्स रिक्वायर्ड है, फर्स्ट इनपुट क्या रिक्वायर्ड है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया है एस, सेकेंड आर्ग्यूमेंट में कैरेक्टर सी एच, इसके जस्ट बाद डिस्प्ले क्या कराएंगे ऑरिजिनल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करेंगे पुट्स, सप्लाई किया मैंने स्ट्रिंग एस, दिस इज द सफिशिएंट। एंड अदर वे जस्ट मैंने अभी आपको इनपुट में क्या प्रोवाइड किया था एज अ रजत, सेम लॉजिक से इंप्लीमेंट करने का आपके पास एक और केस है, इसे जस्ट बाई अप्लाइंग स्ट्रिंग कॉपी ऑपरेशन मीन रजत के रिस्पेक्ट में जस्ट रिप्लेस क्या कराना है इस केस में रिमूव क्या कराना है ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ आर, तो आर का ऑकरेंस रिमूव कराने के लिए जस्ट आप आर सॉरी ए ए को सर्च कराओगे तो ए का फाउंड हो रहा है फर्स्ट प्लेस पर और फर्स्ट इंडेक्स में, तो इसके जस्ट बाद आप परफॉर्म क्या करा सकते हो इस पोजिशन ऑन वर्ड्स स्ट्रिंग के रिमेनिंग कैरेक्टर्स आप कॉपी करा सकते हो, तो इस केस में आप कॉल क्या कर सकते हो अदर अल्टरनेटिव एस टी आर सी पी वाई फंक्शन और स्ट्रिंग कॉपी, कॉपी किस प्लेस से कराना है एस प्लस आई, एस प्लस आई मीन्स ओरिजिनल एड्रेस, 100 प्लस आई, आई का वैल्यू करा हुआ है इस केस में 1, देन 100 प्लस 1 के पास होगा 101 और 101 किसका एड्रेस है ए का, तो ए मीन्स 101 से कॉपी होना स्टार्ट होंगे, प्लस कॉपी किस प्लेस से करोगे फ्रॉम नेक्स्ट जे से, और जे का इंडेक्स क्या एड्रेस क्या मिलेगा आपको एस प्लस आई प्लस 1, मीन्स सेम इस फोर लूप के प्लेस पर आपके लिए गिवन लॉजिक्स भी राइट डाउन करना, दोनों मीनिंग कैसे ऑलमोस्ट सेम इज द कंप्लीट ऑफ गिवन प्रोग्राम।